आरबीआई ने कोरोना महामारी के बीच राहत देते हुए शुक्रवार को कई ऐलान किए, जिसका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने स्वागत किया। पूनिया ने कहा कि इससे मध्यम और लघु उद्योगों के साथ किसान वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस दौरान पूनिया ने कहा कि कोरोना से लड़ने में भारत पूरी तरह सक्षम है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करी। मैं उनको कहना चाहूंगा कि देश में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहेगी और ये भारत के अनुमान भी साबित करते हैं। और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके से 50,000 करोड़ की निर्देश दिए हैं विभिन्न बैंकों के जरिए लोगों को सहूलियतों के लिए। इस 50,000 करोड़ में 25,000 करोड़ रुपए भारत के किसानों को संबल देने के लिए नाबार्ड के जरिए, इसी तरीके से लघु और मध्यम उद्योगों को संबल और शक्ति देने के लिए सिडबी को मिलेंगे 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ के जरिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, खासतौर पर मध्यम और मझले और किसान तबका, इनको संबल देने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था में गति आएगी। जो अनुमान है इस समय G20 देशों के, उसमें भारत के अर्थव्यवस्था GDP की ग्रोथ वो 1.9% है। उसी तरीके से कोरोना के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही है, IMF भी संभावना व्यक्त करता है, अनुमान है उसका कि भारत की GDP ग्रोथ 7.4% होगी। देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है, मानसून की अच्छी संभावना जो भारत के खाद्यान्न के भंडारों को भरने के लिए हमारे अन्नदाता किसान की शक्ति के बूते पर वो सफल होगा।